हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसकी सारी साइड्स बराबर है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी सब साइड्स इक्वल है। जैसे सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। और जरूरी नहीं है 2 ही हो, मान लीजिए यहाँ 4 है, तो ये तीनों ही 4 होंगी। तो दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें लिखा है शोन बाय एल। अब हमने इसकी साइड्स को क्या मान लिया है, एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर उसकी साइड एल है, एल मतलब एल इज अ वेरिएबल, कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, बट हम यहाँ पे उसे एल एज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है पेरीमीटर, साइड प्लस साइड प्लस साइड। तीनों साइड को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारी पेरीमीटर आ जाती है। अब यहां पे तीनों साइड्स क्या है, एल प्लस एल प्लस एल, तीनों ही एल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 3L, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose sides is L is 3L।